15 अगस्त को जिस तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ तालिबानियों का, उसके बाद से भगदड़ मच गई। भारत के कई लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए थे, उनको लाने की कवायद अभी भी जारी है। ऐसे में उत्तराखंड के कुछ लोग जो हैं वो वतन वापसी कर चुके हैं, और उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा ने। देखिए, अफगानिस्तान में जिस प्रकार से तालिबानियों का कब्जा हुआ, ऐसे में कई भारतीय जो है वहाँ पर फंसे हुए थे, जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना वहाँ पर करना पड़ा, और आज वो जो हैं स्वदेश अपने लौटे हुए हैं। हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। सर, ये बताइए किस तरीके की स्थिति थी वहाँ पर, जब आप वहाँ पर जो है फंसे हुए थे, कैसे वहाँ पर, वो क्या कार्य जो है आप वहाँ पर करते थे? एक्चुअली स्थिति तो वहाँ की बड़ी नाजुक ही है, और हम लोग एक्चुअली आर्मी से रिलेटेड रखते हैं, और आज के उसमें हम लोग वहाँ पर सिक्योरिटी डिवीजन में ही काम करते हैं। तो अभी हम लोग यूएन थ्रू चलते हैं, तो उस आधार पे हम लोग अभी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से रहते हैं वहाँ पर भी। तो अभी की हालात ऐसे ही हो गई थी कि 15 तारीख से हम लोग फंसे हुए थे, तो मतलब हमारे जो यूएन थ्रू हैं वहाँ से हमको कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ उन लोगों ने फैसिलिटी काफ़ी अच्छा हम लोग को प्रोवाइड कर दिया था, और प्रोटेक्शन भी हमारा वो था। बस ये था कि तालिबान के बीच में हम घिरे हुए थे, लेकिन हमारे ऊपर कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि हम लोग को कुछ होना पड़े या हमें कुछ खोना पड़े, ऐसा कुछ नहीं था। गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा हम लोग के लिए, यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी हम लोग के लिए वो किया, और रजिस्ट्रेशन वगैरह करके हमारी काफ़ी बातचीत भी हुई। तो लेकिन हम लोग को इस हालत में तो नहीं आना पड़ा, क्योंकि हमारा तो अलग ही कंपनी के उसमें थे, तो हम लोग यहाँ तक यूके तक पहुंच के अभी अपने देश में वापस हो रहे हैं, अपने देश वापस लौटे हैं। वैसे आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आप फंसे हुए थे, तो परिवार से कैसे संपर्क हो पा रहा था, किस तरीके की स्थिति थी वहाँ पर उस समय जब आप परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, क्या था उस समय? जैसे वो भाई ने बोला कि हम 15 तारीख से परेशान हैं, जैसे अब 15 तारीख को सडनली एकदम से ऑर्डर आया कि आप लोगों को हेडक्वार्टर जाना है, तो एकदम से हम लोग भी एक कन्फ्यूजन हो गई, और इतनी स्पीड से काम हुआ तालिबान ने कि एकदम से कैप्चर किया, जो इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। उसके साथ हम लोग अपना एम्बेसी में हमारे रजिस्ट्रेशंस, हमारे एम्बेसी ने भी एडवाइजरी जारी की हुई थी, उसके थ्रू हम लोग कांटेक्ट में भी रहे, और हमारी जो अपनी कंपनी थी गर्दा वर्ल्ड, उसने भी पूरा कोऑपरेट किया, और फाइनली यहाँ पहुँच गए हम लोग सब कुशल। हम अपनी गवर्नमेंट के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति रही थी, और आज जिस प्रकार से आप स्वदेश लौटे, कैसा लग रहा है आपको स्वदेश लौटकर, और सरकार का किस तरीके से धन्यवाद? सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि सरकार ने वहाँ जितने लड़के फंसे थे, है ना, जिन्होंने गुहार लगाई, जिन्होंने मतलब कंपनियों ने बिल्कुल छोड़ दिया उनका साथ, जो छोटी कंपनी थी, बड़ी कंपनियों ने तो दिया साथ, मैं ये मानता हूँ उस कंपनियों का भी बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। पर सरकार ये प्रयास रहा कि सरकार ने उन्हों को भी अपना एयरपोर्ट में 2-3 दिन रहे वो, और तालिबान का संगठन ज़्यादा था, पर लेकिन तालिबान का भी एक शुक्रगुजारी बोले कि उन्होंने भी ऐसा इंडियन के साथ ऐसा नहीं किया, क्यों हमारा इंडिया और अफगानिस्तान का दोस्ताना याराना एक संपर्क है, तो उन्होंने भी यही कहा, हम लोग को एस्कॉर्ट किया उन्होंने, पर वहाँ की जो पब्लिक थी, पब्लिक ने ज़्यादा, क्यों पब्लिक वहाँ की थोड़ी सी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, जैसे एयरपोर्ट जाते हैं हम लोग तो छीना झपटी करना, ये करना, तो उससे हमारे लोग सारे डरे हुए थे, क्योंकि अब आपका पासपोर्ट फाड़ दे, मेन तो पासपोर्ट है, पासपोर्ट फाड़ दिया, पैसा छीन दिया, आप कैसे जाओगे? तो हमारा जो कमर्शियल फ्लाइट बंद हो गया था, कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने चार्टर प्रोवाइड किया C-17 करके, तो उनमें से रेस्क्यू किया उन्होंने, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 दिन से लड़कों ने खाना नहीं खाया था, तो चलो घर आके किया, तो जान बची तो लाखों पाए, थैंक यू। बिल्कुल, जान बची तो लाखों पाए, इन तमाम बातों से यही निकलता है कि किस तरीके से जो 15 अगस्त के बाद का अफगानिस्तान में जो सिलसिला तालिबानियों ने जारी किया, ऐसे में कई सारे भारतीय वहां पर फंसे हुए थे, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है किया गया, जितने भी भारतीय थे, जो उत्तराखंडवासी थे वहां पर फंसे हुए थे, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज जब वो स्वदेश लौटे तो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। अपने सहयोगी संदीप नेगी के साथ उपेंद्र सिंह राणा, नेटवर्क 10, देहरादून।